दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब तेज हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। ये लॉकडाउन सोमवार की रात 10 बजे से लागू होगा और अगले सोमवार यानी 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कहीं भी बाहर ना जाएं। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान बैंक खुले रहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलेंगे। हालांकि केवल जरूरी सेवाओं वाले लोगों को ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की इजाजत होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि शादियों में केवल 50% लोगों की मौजूदगी की अनुमति है। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हों, उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। दिल्ली में अगले एक हफ्ते के लिए इस लॉकडाउन में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, इसे भी समझिए। भारत सरकार के दफ्तर खुले रहेंगे। पास के साथ शादियों समारोह में केवल 50 लोगों की अनुमति होगी। गर्भवती महिलाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर की इजाजत होगी। डॉक्टरों और नर्सों को भी आने जाने की इजाजत होगी। मीडिया कर्मचारियों को भी आने जाने की इजाजत होगी। लॉकडाउन के दौरान सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को इजाजत होगी। सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक होगी। बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। सब्जी और किराने की दुकानें भी खुली रहेंगी। पिछली बार लॉकडाउन लगते ही प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर पलायन करने लगे थे, इसलिए केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि छोटा लॉकडाउन है, आप दिल्ली में ही रहिए। उन्होंने कहा है कि मैं लॉकडाउन के खिलाफ रहा हूं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन ही लगाना पड़ता है। सभी से गुजारिश है कि वे लॉकडाउन का पालन करें। फिलहाल आप भी अपना ख्याल रखें, नियमों का पालन करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।